स्वस्थ और निरोगी जीवन जीने के लिए हमारा उचित आहार विहार होना चाहिए। स्वस्थ खान पान और उसके साथ साथ प्रतिदिन एक्सरसाइजेज हमारे जीवन का एक भाग होना चाहिए। अपने दिन की शुरुआत प्रतिदिन सुबह उषापान यानी सुबह पानी पीकर शुरुआत करना चाहिए, उसके बाद ही कुछ खाना पीना चाहिए और नाश्ते में अंकुरित अनाज का नाश्ता करना चाहिए। प्रतिदिन इसको थोड़ा ही सही लेकिन हर दिन खाना चाहिए। अंकुरित अनाज रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। स्वास्थ्य के लिए शरीर की रोग प्रतिरोधी प्रणाली का चुस्त दुरुस्त होना यानी उसका हेल्दी होना बहुत जरूरी होता है। यह प्रमाणित हो चुका है कि भोजन हम जो करते हैं उसमें मौजूद पौष्टिक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर की प्राकृतिक सुरक्षा को मजबूत कर हमें इन्फेक्शन और बीमारियों से बचाते हैं। अंकुरित अनाज का सेवन करना फूड एंजाइम्स के साथ डाइट सप्लीमेंट लेने का एक बेहतर जरिया है, जो सीधे सीधे शरीर में होने वाले हर एक बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए महत्वपूर्ण होता है। अंकुरित अनाज है क्या? अंकुरित अनाज खाए जाने योग्य बीज होते हैं जिसमें अंकुरण होता है। जब आप किसी बीज को अंकुरित करते हैं तो उसके एंजाइम सक्रिय हो जाते हैं और स्टार्च साधारण शुगर में तब्दील हो जाता है। और इसके लाभ, ये एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ए, बी, सी, ई, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, सेलेनियम और जिंक के बेहतरीन सोर्स होते हैं। अंकुरित अनाज संतुष्टिदायक होने के साथ कम कैलोरी वाले होते हैं, हल्के और आसानी से पचाए जा सकते हैं, इनको इजीली डाइजेस्ट किया जा सकता है। अंकुरण विधि से इसमें बहुमूल्य अमीनो एसिड तत्व बढ़ जाता है। क्या अंकुरित करें? किस सीरियल को, किस अनाज को हमें अंकुरित करना चाहिए? ज़्यादातर बीज, अनाज, दालें, फलियां और नट्स को अंकुरित किया जा सकता है। प्रचलित अंकुरित बीजों में है मूंग, चना, अल्फाल्फा, किडनी बीन्स, फेनुग्रीक सीड्स और मूंगफली। इसको तैयार कैसे करें? किसी भी बीज को लगभग 8 घंटे तक पानी में भिगो कर रखें। इसके लिए जार, ट्रे, स्प्राउटिंग बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद उस बीज को पानी से बाहर निकाल कर एक कॉटन के, वाइट कॉटन के कपड़े में लपेट कर थोड़े देर के लिए रख दें, 4-5 घंटे। फिर उसके बाद धीरे धीरे उसमें अंकुरण हो जाएगा। चाहे तो 6-7 घंटे में अच्छा अंकुरण हो सकता है, फिर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इन अंकुरित अनाज के साथ यदि आप बादाम लेते हैं 3 या 4 तो और फायदेमंद होगा आपके लिए। चाहे तो उसके साथ खजूर भी ले सकते हैं और देसी गुड़ यदि आपको मिलता है तो उसका भी सेवन किया जा सकता है। इन सारी बातों को अच्छी तरह समझते हुए इसको अपने डेली रूटीन का, डेली लाइफ का एक पार्ट बनाइए और स्वास्थ्य लाभ लीजिए। धन्यवाद।